इंडियन मार्केट में मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवीज की खरीदारी इतनी तेजी से हो रही है कि इस सेगमेंट में ना कार कंपनियां काफी ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। और पिछले एक दो महीने का ट्रैक देखा जाए ना तो किया सेल्टोस फेसलिफ्ट, होंडा एलिवेट और अब सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस भारतीय बाजार में लॉन्च होने जा रही है। अब ये वही सेगमेंट है जिस सेगमेंट में ऑलरेडी सेल्टोस है, क्रेटा है, कुशाक है, टाइगुन है, एस्टर है, टोयोटा हाइराइडर है और ग्रैंड विटारा है। अब एक और नई गाड़ी ये आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि C3 के CMB प्लेटफॉर्म पर ही बनी गई है। इसी वजह से ये जो गाड़ी है आप इसे मिड साइज कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV कह सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ना ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी में ना एक बड़ी USP है। वो क्या है? क्योंकि इस गाड़ी में आपको 5-सीटर लेआउट तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ कंपनी 7-सीटर लेआउट भी दे रही है। आप खुद सोच रहे हो 4.3 मीटर इस गाड़ी की लंबाई है, चौड़ाई भी अच्छी खासी और व्हील बेस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से इस गाड़ी के अंदर आपको 7-सीटर लेआउट भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस को देखते हैं तो गाड़ी दिखने में आपको मौजूदा C3 हैचबैक जैसी ही नजर आएगी, लेकिन इसके डिजाइन में थोड़ी सी तब्दीलियां की गई हैं। जैसे इसके LED DRLs को अलग रखा गया है, ग्रिल पर डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया है और निचला बम्पर बड़ा रखा है जिसके चलते ये गाड़ी SUV जैसी पूरी तरह नजर आती है। हालांकि हेडलाइट और फॉग लाइट आपको बल्ब के साथ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर कंपनी ने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया होता तो और ज्यादा बेहतर होता। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो 17 इंच के एलॉय व्हील्स, ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल्स और 200mm का ग्राउंड क्लियरेंस वाकई काफी ज्यादा बढ़िया नजर आता है। रियर प्रोफाइल में आपको फ्लैट बोनट और आकर्षक टेल लाइट देखने को मिल जाती है। डायमेंशन की बात करें तो नई C3 एयर क्रॉस की लंबाई 4323mm, चौड़ाई 1796mm, ऊंचाई 1669mm और सबसे खास बात इसमें व्हील बेस 2671mm का दिया गया है जो कि इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों से सबसे ज्यादा है। सिट्रोएन C3 एयर क्रॉस के अगर आप इंटीरियर में आते हैं ना तो देखो इंटीरियर पहली नजर में आपको पसंद आएगा। ऑल ग्रे थीम आपको यहां पर देखने को मिल रही है, हालांकि ब्रॉन्ज थीम भी कंपनी ऑफर कर रही है एक ऑप्शनल के तौर पर। कि नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो काफी स्पेशियस इसका केबिन नजर आता है। AC वेंट्स का डिजाइन भी काफी बढ़िया है। बाकी यहाँ पर जो AC के कंट्रोल्स वगैरह हैं, बाकी जो सारी चीजें हैं ये C3 से ही लिए गए हैं। स्पेस अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, फोन रखने की जगह, बाकी पर्स वगैरह जो आपको रखना हो वो आपको भरपूर जगह मिल जाती है। आर्मरेस्ट तो यहाँ पर दिया जा रहा है लेकिन कोई स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स अगर आप देखते हो तो ग्लव बॉक्स भी काफी डीप है और काफी अच्छे खासे स्पेस के साथ आता है। अब स्पेस की बात हो रही है तो दरवाजों पर भी अगर आप स्टोरेज स्पेस चेक करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील की अगर हम बात करें तो ये सेम वही है जो कि C3 में आपने देखा होगा और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स काफ़ी बढ़िया है। हालांकि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल की कमी महसूस होती है जो कि नहीं है। जो फीचर्स होते हैं ना थोड़े प्रीमियम वाले वो आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन टच फीचर्स वाइज अगर हम बात करते हैं तो वो आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। 10.2 इंच का यहाँ पर आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, टच एंड सेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है और इसी में ही आपको 35 स्मार्ट कनेक्ट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 7 इंच का मिलता है और ये फुल्ली डिजिटल है और इसकी भी थीम आप चेंज कर सकते हो। सीट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ना सबसे बढ़िया काम किया है कंपनी ने, सीटें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा आरामदेह है और जो हेडरेस्ट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 6 फीट इससे लंबा व्यक्ति भी यहाँ बैठेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंबा व्यक्ति तो बैठ जाएगा, उसे एक दिक्कत क्या हो सकती है, स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। अगर आप लंबे हैं और आप चाहते हैं कि ये जो स्टीयरिंग है आपकी हाइट तक पहुँचे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। सेकेंड रो में कितना स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है, क्या क्या फीचर्स वहाँ पैसेंजर्स को मिलने वाले हैं, आइए फटाफट से वो भी चेक कर लेते हैं। अब C3 एयर क्रॉस के इंटीरियर में आकर आपको कैसे पता चलेगा कि ये गाड़ी
फाइव सीटर है या सेवन सीटर है, देखो इंटीरियर में आओगे तो अपने आप तो पता चल ही जाएगा, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा? अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा ऊपर के ये वेंट्स देखकर। अब ये जो है ये प्रॉपर एक ब्लोअर है, जिस तरीके से आपने मारुति की अर्टिगा में देखा होगा वैसा ही यहाँ पर सेटअप दिया गया है। प्रॉपर एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो ये यहाँ से हवा खींचता है और यहाँ से पास करता है और काफी बढ़िया काम करता हुआ नजर आता है। जो फाइव सीटर वाला वेरिएंट है, जो लेआउट है, उसमें तो आपको ये भी नहीं मिलता है। अगर आप इस गाड़ी का स्पेस देखते हैं तो काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जैसे कि बताया व्हील बेस लंबा है। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो सेकंड रो वाली सीटें हैं, ये जो पंक्ति हैं, यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। फ्लोर नीचे से फ्लैट है बिल्कुल, जी हाँ, 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो नीचे से फ्लोर फ्लैट है और उसका सीधा फायदा आपको अंदर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर बीच में एक ये छोटा सा ट्रांसमिशन टनल भी है, जिसके चलते बीच में जो व्यक्ति बैठेगा उसको दिक्कत हो सकती है, लेकिन तीन व्यक्ति यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं और दो तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक अवस्था में, लेकिन दो बैठेंगे तो उनके लिए बीच में यहाँ पर आर्मरेस्ट नहीं है। दो के लिए 3.3 point सीट बेल्ट है, बीच में जो बैठेगा उसके लिए यहाँ पर ये लेप बेल्ट है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। सीटें आरामदायक है, लेग रूम में कोई कमी नहीं है, हेड रूम में भी कोई कमी नहीं है, अंडरनीथ थाई सपोर्ट की थोड़ी सी कमी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सुविधा की बात करें तो यहाँ पर आपको दो टाइप ए यूएसबी पोर्ट्स मिल जाते हैं, कोई भी टाइप सी यूएसबी पोर्ट्स नहीं है। एक वाटर बॉटल रखने के लिए आपको होल्डर मिल जाता है और दरवाजों पर भी आप पानी की बॉटल रख सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। और जो सीटें हैं इनका बैक एंगल रेस्ट भी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा ये बैक एंगल रेस्ट बढ़िया हो जाए, तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं और भरपूर आराम ले सकते हैं। अब सेवन सीटर है, चलते हैं लास्ट वाली रो पर और देखते हैं वहां पर कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। अब जो थर्ड रो वाली सीटें हैं वहां पर जाने का रास्ता कैसे है, इंग्रेस एग्रेस आपको कैसे मिलता है, जाना आसान है निकलना आसान है, वो भी आपको मेरी हाइट के हिसाब से देखने को मिल जाएगा। जो दूसरी पंक्ति वाली सीटें हैं उसमें से ये वाली जो सीट है इसे आप फोल्ड कर सकते हो, आप इजीली इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो और यहीं से पीछे की तरफ जा सकते हो। अब पीछे की तरफ मैं आ चुका हूँ, सीटें जिस तरीके से मैंने आपको सेकेंड रो वाली सीटों का बताया था, समझाया था, वैसी ही है, कहीं पर भी ना आगे हुई है ना पीछे हुई है, और इसमें वो सिस्टम है भी नहीं कि आप आगे कर सको और पीछे वाले को स्पेस थोड़ा ज़्यादा दे सको। देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, ये यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे हेडरूम पर्याप्त मिल रहा है, लेग रूम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ना ही अंडरनीथ थाई सपोर्ट मिल रहा है, तो कह सकते हो आप कि पीछे वाली सीटों पर ना सिर्फ और सिर्फ आप बच्चे बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना दो कप होल्डर्स दिए जा रहे हैं, दो टाइप ए यूएसबी पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, जिसके चलते पीछे जो बैठेंगे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, खासकर सुविधाओं के तौर पर। ये जो क्वार्टर ग्लास है मुझे लगता है इसे थोड़ा सा बड़ा देना चाहिए था, जिसके चलते यहाँ पर अगर बच्चे बैठते हैं तो उन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। अब ये जो सीटें हैं इन सीटों की जो कहानी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, फटाफट से मैं वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि सीटों को आप मात्र 30 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं और भरपूर बूट स्पेस हासिल कर सकते हैं, फटाफट से वो भी दिखाता हूँ। सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस की सबसे बड़ी यूएसपी यही है कि आप इसका अगर इस तरीके से टेलगेट ओपन करते हैं और यहाँ पर ये जो सीट देख रहे हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार 7 सीटें लगी हुई हैं, बूट स्पेस नहीं है, बूट स्पेस फिर भी है, 44 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है। और जो सबसे बड़ी यूएसपी इन सीटों के साथ है वो क्या है कि आप ये जो सीटें हैं ना मात्र 30 सेकंड के अंदर फोल्ड करके निकाल सकते हैं, ऐसे निकालो और आप इन सीटों को घर ले जाओ। अब भैया ये सीटें निकल चुकी हैं, ऐसे करके दोनों सीटों को आप निकाल दो तो आपको मिल जाएगा 511 लीटर का बूट स्पेस, और 60-40 में सेकंड रो वाली सीटें गिर जाती हैं तो उन्हें भी आप गिरा दो तो आपको टोटल मिल जाएगा 839 लीटर का बूट स्पेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी है अगर आप ज़्यादा सामान लेकर कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं। देखो अगर वेदर अच्छा हो रहा हो ना और अगर आप पहाड़ों पर सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस को चलाओगे तो आपको ना एक सबसे बड़ी शिकायत ज़रूर हो सकती है कि इस गाड़ी में सनरूफ नहीं है, पैनोरामिक तो छोड़ो इलेक्ट्रिक सनरूफ भी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था और इस सेगमेंट की हर गाड़ी में आपको सनरूफ दी जा रही है। खैर अब सनरूफ से हटकर गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर बात कर लेते हैं, इंजन को लेकर बात कर लेते हैं, तो कंपनी इसमें 1.2 लीटर का प्योर टेक टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है, 3 सिलेंडर इंजन है। अब
थ्री सिलेंडर इंजन है तो आप ऐसा मत समझिएगा कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो अच्छे खासे रिफाइनमेंट लेवल के साथ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाड़ी में जो इंजन दिया जा रहा है आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिया जा रहा है, पावरफुल इंजन है और अच्छे खासे रिफाइनमेंट लेवल के साथ आता है। ये वही इंजन है जो कि आपने C3 में भी देखा होगा और इस इंजन के साथ इस गाड़ी को चलाने में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक शिकायत ज़रूर है, सिर्फ और सिर्फ ये इंजन 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आ रहा है, फिलहाल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में नहीं है, लेकिन कंपनी जल्द ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसमें शामिल कर देगी। 2000 से 2500 RPM के बीच आपको ये गाड़ी डिसेंट ड्राइव का अनुभव देती हुई नज़र आती है। देखो पेट्रोल इंजन है, 100, 110, 120 km/h पे भी अगर आप भगाते हो तो आपको इंजन से कोई शोर सुनाई नहीं देता है। इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। 110 PS की पावर और 190 Nm का टॉर्क आपको इस गाड़ी में मिलता है और टॉर्क की अगर हम बात करते हैं तो आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। पावर कहीं कहीं लगती है कि यार थोड़ी सी और ज़्यादा होती, लेकिन वहाँ पर आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सेगमेंट में कंपेयर करते हैं दूसरी गाड़ियों से तो ऑब्वियसली बात है इस गाड़ी की पावर या पावर आउटपुट की तरफ अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको कमी देखने को मिलती है, लेकिन टॉर्क आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। बाकी क्लच की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी लाइट है। ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो गियर शिफ्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी ईजिली काफ़ी स्मूथली गियर शिफ्ट होते हैं। और अब बात करते हैं राइड क्वालिटी को लेकर, जो कि इसका अगेन सेकंड बड़ा USP है। जी हाँ, सेकंड बड़ी USP मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7-seater जो मैंने आपको दिखाया, जो लेआउट था, सीटें कैसे निकाल सकते थे वो तो है। अब जो राइड क्वालिटी है ना, देखो C3 हो गई, C5 हो गई, EC3 हो गई, इन गाड़ियों में ना सिर्फ और सिर्फ आपको राइड क्वालिटी, जो सस्पेंशन का जो लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलता है और आपको बेहतरीन राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इस लेवल की कि आप उबड़ खाबड़ सड़कों पर चला रहे होते हैं वहाँ पर आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े ब्रेकर्स भी अगर आपके सामने आ जाते हैं, या देखो छोटे मोटे तो बिल्कुल पता नहीं चलते, बड़े बड़े ब्रेकर्स भी अगर आपके सामने आ जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर भी आपको बहुत तेज़ ये गाड़ी झटका देती हुई नज़र नहीं आती है। इसके अलावा इस गाड़ी के साथ एक चीज़ और बेस्ट है, देखो अगर आप तेज़ रफ्तार में कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, गाड़ी मोड़ रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर भी ऐसा फील नहीं होता है कि गाड़ी डगमगा रही है और आपको बहुत ज़्यादा बॉडी रोल देखने को मिल रहा है, तो ये भी इस गाड़ी में अच्छी बात है। ब्रेकिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं, तो ब्रेकिंग के दौरान ना आपको किसी तरह की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। ये जो नारियल है ना, बाहर से सख्त अंदर से नर्म, वैसा ही इस गाड़ी के साथ भी है और कंपनी ऐसा बोलती भी है, टफ ऑन द आउटसाइड केयरिंग ऑन द इनसाइड। अब इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी नो डाउट आपको पसंद आएगी। अब केयरिंग ऑन द इनसाइड ऐसे भी है क्योंकि इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वाकई आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। हालांकि फीचर्स की देखो बहुत सारे फीचर्स की कमी है, इनफैक्ट पुश स्टार्ट बटन भी नहीं है, चाबी लगा के ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं टॉप मॉडल में भी, जिस तरीके से C3 में आपने देखा था। अब सनरूफ नहीं है, 360° पार्किंग कैमरा नहीं है, वायरलेस फ़ोन चार्जर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको निराश करती हैं, लेकिन अगर कंपनी इस गाड़ी की कीमत 8.5-9 lakh रुपये से शुरू करती है और ख़त्म करती है 13-14 lakh रुपये तक, तो हो सकता है ये गाड़ी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित हो, आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट साबित हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यही इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कि 7-seater लेआउट में आती है, मिड साइज कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर कार है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि Citroen C3 Aircross का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या मिलता है, बाहर क्या मिलता है और चलाने में कैसी है। चलो वीडियो खत्म, अब मैं अपना नारियल भी खत्म कर लेता हूँ।